अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वरिष्ठ नेता आज फिर से शामिल हो रहे हैं, कैसे आपने ये पटकथा लिखी है, कैसे आए हैं आज? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक नई सोच के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर काम करने का जो दृढ़ संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं, और हमने पार्टी ने महाअभियान लगाया, और अभी देश में पुराने नए नेता जो पार्टी में थे और चले गए और वो पार्टी में पुनः आकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए काम करने की अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो हम सहर्ष भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर एक सशक्त राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने का काम करेंगे। पार्टी से दूर रहे नेता आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव भी, उसकी सरगर्मियां भी शुरू हो गई है, किस तरीके का इस चीज को मानते हैं आप, इस घटनाक्रम को? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता जिस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है, प्रत्येक व्यक्ति उस यात्रा से जुड़ना चाहता है। जो देशभक्त है, जो राष्ट्रवादी है, वो घर बैठने की बजाय नरेंद्र मोदी जी के रथ पर सवार होना चाहता है। इसी तारतम्य में दिलीप बांगर जी, जो कि कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी जिसके कारण हमारी पार्टी से दूर हुए थे, पुनः पूरे मन के साथ पुरानी बातों को भूलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी की जो विकास यात्रा और विजय यात्रा का रथ आगे बढ़ने वाला है, उसके एक सिपाही बनकर लगातार देश के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी उनका बहुत स्वागत करती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में अनेक साथियों के साथ यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मैं स्वयं भी उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। जो मोदी जी का लक्ष्य है आपकी बार 400 पार, क्या लगता है पूरे देश में इस तरीके से कई लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब में, चंडीगढ़ में भी हमने देखा, तो क्या लगता है ये लक्ष्य किस तरीके से आप हासिल करने वाले हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यदि किसी बात का संकल्प ले लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उनके उस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। मोदी जी ने यदि कहा है कि एनडीए 400 सीट पार करेगा तो 400 सीट पार होगी, और भारतीय जनता पार्टी 370 सीट लेकर आएगी। यदि मोदी जी ने तय किया तो निश्चित रूप से ये होकर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के साथ फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अग्रसर होगा। प्रदेश की 29 सीटों को लेकर क्या कहेंगे? इस बार, पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, एक सीट रह गई थी, इस बार 29 की 29 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को 29 फूलों की माला भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पहनाने वाली है।